गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुरजीत आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, बम्पर वैकेंसी होंगी इस वीडियो में, क्योंकि 7 कॉलेज विश्वविद्यालय से वैकेंसी है, जिसमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वैकेंसी है और दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहली वैकेंसी की, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर एडहॉक एंड गेस्ट फैकल्सी के लिए रिक्रूटमेंट जो है आई हुई है 1 अगस्त 2020, और यहाँ पर लास्ट डेट है 10 अगस्त 2020। यह बात होगी सोशल वर्क डिपार्टमेंट की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट वैकेंसी थी तो मैंने कंबाइन करके वीडियो एक जगह बना दिया है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने ये बताया है कि वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पैनल में आप लोग कैसे रजिस्टर्ड हो रहा है और क्या प्रोसेस है। उस वीडियो का आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, सारे डिपार्टमेंट्स में एडहॉक का पैनल में रजिस्ट्रेशन करने के चल रहा प्रोसेस, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ की डेट्स निकल चुकी है, कुछ डिपार्टमेंट के जैसे हिस्ट्री का निकल चुका है डिपार्टमेंट्स की, तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट का लास्ट डेट अभी है तो आप अप्लाई कर दें, यदि आपने अप्लाई नहीं कर किया है। और यदि अप्लाई कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा रेगुलर आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर एवरी डे कहीं ना कहीं से किसी कॉलेज से वैकेंसी आएगी, डिपार्टमेंट से वैकेंसी आएगी, तो आप लोग आवेदन जरूर करें। चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। ये देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, इसे मैं कंपाइल किया हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज, 2 डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके इस वीडियो बनाया मैंने डिपार्टमेंट्स वर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एक डिपार्टमेंट था सोशल वर्क, इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 10 अगस्त थी, और ये डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर का था, तो मैंने भी यहाँ पर कंबाइन कर दिया कि ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट्स की लास्ट डेट एक है और नोटिफिकेशन की डेट भी सेम थी 1 अगस्त, तो हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा जा करके, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी चलूंगा और आप लोग दिखा देंगे कि कैसे ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सोशल वर्क, प्लांट सिस्टमेटिक्स, बायोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड पेटीरोडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लांट डाइवर्सिटी, इन सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। इन सब सब्जेक्ट से देखिए, सब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और ये सोशल वर्क का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यदि आप लोग पीजी हैं और प्लस नेट है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.du इंडेक्स। आप इस पे जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, और इस पेज के खुलने के बाद आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी एंड एप्लीकेशन फॉर्म, और ये रहा आपका एडहॉक नोटिस और ये एडहॉक पैनल, ठीक है। एडहॉक पैनल की बात करेंगे तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यहाँ पर है, डिपार्टमेंट फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड मेनी मोर्स, आप लोग को एक बार स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो वैकेंसीज हैं आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यदि एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पर एडहॉक में पहले तो रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो। चलिए बैक चलते हैं वीडियो पे। अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के और कैसे वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, मैंने वो बता दिया। अब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को, ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आगे आया था 31 जुलाई 2020 को। एस बी बब्बर MPhil PhD प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के, और इस नोटिफिकेशन के देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी
इंटेंडेड टू अपॉइंट 7 गेस्ट फैकल्टीज, 7 यहाँ पर वैकेंसी है, और ये सारे वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का नहीं था, इसका बॉटनी डिपार्टमेंट का था, सॉरी मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था और बस स्कैप वगैरह गया, तो ये बॉटनी डिपार्टमेंट का मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिए और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे तो ये देखिए सोशल वर्क का, इन दोनों का ही मैंने लिया था, तो आप इसे भी देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी 31 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी 6 पोस्ट है, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पर। और आप लोगों के यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिकेशन एंड मेल एट dssw.du@gmail.com। रिपीट करते हैं एक बार, ईमेल आईडी dssw.du@gmail.com, इस पे जाकर के आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिकेशंस जो भी हैं सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पर स्कैन करके मेल करना है, ठीक है। कब? बिफोर 10 अगस्त, डेट मैंने बता दिया 11 बजे के पहले सुबह, ठीक है। चलिए फिर एक बार अपने वीडियो पर वापस चलते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई सारे फैकल्टीज डिपार्टमेंट्स और सब्जेक्ट के, तो बहुत सारे जितने सब्जेक्ट पॉसिबल है सभी सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट चलती रहती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आप लोग रेगुलर इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट बदलती रहेगी, दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को हो सकता 30 अगस्त हो, किसी का 5 अगस्त हो, तो उसके लिए कमेंट ना करिएगा सर आपने लास्ट डेट ये बताया था। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, इस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इन दोनों की एग्जांपल लेके इस वीडियो को बनाया था, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ मूव करते हैं। ये वैकेंसी है MVR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कृष्णा जिला से आंध्र प्रदेश, कृष्णा जिला AP से आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर एक कॉलेज स्थित है। यहाँ पर देखेंगे जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है 1 अगस्त 2020 को, और लास्ट डेट इसका जो काफ़ी ज़्यादा कम समय दिया गया है 5 अगस्त 2020 तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, समय बहुत कम दिया गया है, तो आवेदन आप तुरंत करें, वीडियो देखें उसके बाद तुरंत आवेदन कर दें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। देखिए डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है यहाँ पर, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एंड MBA, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन एज पर AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर रहने वाली है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, देखिए मिनिमम 3 ईयर आप एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मिनिमम 3 ईयर्स का इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट PG PhD इन देयर रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जॉब लोकेशन मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश में, और पे स्केल अच्छा खासा देता है इंजीनियरिंग कॉलेज है, एंड यहाँ पर लास्ट डेट बहुत कम दिया 5 अगस्त 2020, मैंने बता भी दिया इस चीज को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉलेज की वेबसाइट पर आप जाकर के नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, और एक बार खुद से नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन करें www.mvrcoe.ac.in वेबसाइट है कॉलेज की, आप लोग इस पे जाकर के नोटिफिकेशन को खुद पढ़ें उसके बाद ही आप अप्लाई करें। यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड देयर डिटेल्स रिज्यूम सॉफ्ट कॉपी टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज बाई ईमेल विथिन 5 अगस्त 2020, आपको यहाँ पर ईमेल करना है और ईमेल एड्रेस है दिया हुआ ceo@mvrcoe.ac.in, आपको इस ईमेल एड्रेस पे जाकर के ईमेल करना है अपने सारे डिटेल्स, ठीक है। और ये देखिए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए यहाँ पर, MVR कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर देखिए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, तो हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करेंगे, और मैंने सारे डिटेल दे दिया, यदि आप लोगों को कोई फॉर्म भरने में समस्या हो तो यहाँ पर कॉलेज की तरफ से नंबर दिया गया, फ़ोन नंबर आप यहाँ पर
कॉल करके बात कर सकते हैं कॉलेज से यदि आपको कोई समस्या आती तो। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। इसलोक कॉलेज नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 1 अगस्त 2020 और लास्ट डेट यहाँ पर अच्छी है 20 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, BO टूरिज्म में वैकेंसी यहाँ पर, बैचलर और आप वैकेशनल में टूरिज्म में वैकेंसी है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और नॉर्म्स क्या होगा, AICTE का नाम से यहाँ पर अप्लाई है। अब कैसे यहाँ आवेदन करना आप लोग, पोस्टल रहेगा एंड कॉलेज की वेबसाइट देख लीजिए www.hislopecollege.ac.in। द एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन अ प्लेन पेपर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा एंड एड्रेस टू द प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो ऑन अ बिफोर डेट 20 अगस्त 2020 अलॉन्ग विद अ क्रॉस्ड पोस्टल एड्रेस ऑर्डर ऑफ 100 rupees DD इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर एंड द सर्टिफिकेट कॉपी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ देयर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स टूवर्ड सबस्टेशन ऑफ एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये रहा आपका थर्ड कॉलेज जो कि हिप्सलोप कॉलेज नागपुर महाराष्ट्र से था। चलिए अब फोर्थ कॉलेज को देख लेते हैं वैकेंसी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज, यहाँ पर जो दिव्यांगजन है उसके लिए यहाँ पर जो कॉलेज है यहाँ से वैकेंसी है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं कब यहाँ पर रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन। 1 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और यहाँ पर कोई लास्ट डेट नहीं है, आप लोग को एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप तुरंत अप्लाई यहाँ जरूर करें यदि आप एलिजिबल हैं तो। नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी कंसल्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी आपको यहाँ 55,000 rupees मिलने वाली, 55,000 rupees पर मंथ मिलेगा विथ नो अदर अलाउंसेस, यहाँ पर कोई अदर अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। और क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, MPhil इन क्लिनिकल आर रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी फुल टाइम कोर्स रिकॉग्नाइज बाई RCI रजिस्टर्ड विथ RCI, मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड डिजरेबल होगा, जो PhD यहाँ पर कर रखे उन्हें यहाँ पर डिजरेबल होगा, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। बट आप MPhil है तो भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं, नेट की कोई बात नहीं की गई है, तो आप नेट नहीं भी है तो भी यहाँ आवेदन जरूर कर सकते हैं। और इसी में नेक्स्ट वैकेंसी लेक्चरर की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंटेंशनल थेरेपी कंसल्टेंट चाहिए फॉर 11th मंथ, यहाँ पर 11th मंथ की वैकेंसी है। और यहाँ पर यदि मास्टर डिग्री है इन फिजियोथेरेपी विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स, तो आप यहाँ आवेदन जरूर कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ भी 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए एंड यहाँ डिजेबल प्रोसेस पॉसिंग एनी RCI रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसका जो सैलरी मेंशन नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी मेंशन है, तो लेक्चरर की सैलरी और कम होगी, अराउंड 45,000 के आसपास सैलरी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, 40-45,000 सैलरी हो सकती है लेक्चरर की। देखिए यहाँ पर जॉब लोकेशन क्या रहेगी, देहरादून उत्तराखंड, आपको पोस्टल करना है, पोस्टल एड्रेस है द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन 116 राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड, यह इसका पोस्टल एड्रेस है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए nivh.go.in, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होने पे यहाँ फोन नंबर दिया गया है 01352744491, यहाँ पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यह भी काफ़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पर भी आवेदन जरूर करें। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन इसका भी 1 अगस्त 2020 को आया था और इसकी लास्ट डेट है
एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंडेड इंटरव्यू फ्रॉम 5th to 12th अगस्त, 5 से 12 अगस्त के बीच आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर कोई लास्ट डेट नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। जॉब टाइटल क्या होगी, तेजपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। किस फील्ड में वैकेंसी है, कि डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स में यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर नॉर्म्स क्या है, एज पर AICTE नॉर्म्स यहाँ पर। एंड कहाँ पर जॉब लोकेशन होगी, गुवाहाटी असम में। पे स्केल एज पर नॉर्म है, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई जरूर करें, बहुत अच्छा पैकेज आपको यहाँ मिलेगा। कैसे आप लोग को आवेदन करना होगा, ईमेल के थ्रू आपको। देखिए किस डिपार्टमेंट के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग यहाँ मेल है, तो सबका मैं भूल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। देखिए यहाँ पर कॉलेज की वेबसाइट बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जाकर के सब चीज़ें देख सकते हैं डिटेल्स। TEZU.ER यानी ETIN, आपको यह वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट कॉलेज की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए एक बार देख ही लेते हैं कौन सी वेबसाइट है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका ईमेल आईडी है, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए SOD@TEZU.ER यहाँ पर है, मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के है, कॉमर्स का ही है, और ईमेल एड्रेस आपका ही है, ये यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस है। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चेन्नई। पेरी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चेन्नई, यहाँ पर वैकेंसी 1 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे, किस डिपार्टमेंट वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। कॉमर्स में वैकेंसी है, CS में वैकेंसी है, इंग्लिश में वैकेंसी है, तमिल में वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसी है। एंड क्वालिफिकेशन दो बार यहाँ पर रिपीट हो गया है, एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड UGC नॉर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्सपीरियंस मस्ट है, 3 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ का जॉब लोकेशन होगी चेन्नई तमिलनाडु, और पे स्केल भी यहाँ भी काफ़ी अच्छा होता है, एज पर नॉर्म्स है। और अप्लाई आपको ईमेल मोड से करना होगा, आप यहां पर अपना एप्लीकेशन job@peri.education पे जाकर के यहां पर आप लोग अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी देखिए इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, फिर आप लोग कहेंगे सर लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट नहीं है। जैसे भी आप चाहें जल्दी से जल्द आवेदन कर लें। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में दो अभी तक ऐसे कॉलेज बताएं जहां पर कोई लास्ट डेट नहीं दिया गया है, वहां पर आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल आपको यहां आवेदन करना होगा थ्रू ईमेल आईडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं, और आज के वीडियो की लास्ट वैकेंसी, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 29th July 2020 को, और लास्ट डेट आवेदन की है विथिन 7 डेज, मीन्स 5 अगस्त तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, फुल टाइम जॉब रहने वाली है। यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं, CS में वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वैकेंसी है। यहाँ पर भी बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैकेंसी, बायोटेक्नोलॉजी वैकेंसी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वैकेंसी, MBA वैकेंसी है। आज आर्ट्स में और ह्यूमनिटीज में थोड़े कम सब्जेक्ट्स थे, आज टेक्निकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो देखिए अगर मिलेगा तो शाम तक जो आर्ट्स कॉलेज में और ह्यूमनिटीज में वीडियो लेके आऊँगा। यदि कभी कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज ऐसा निकालता है नोटिफिकेशन, तो आप लोगों के साथ शाम तक मैं शेयर जरूर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी सारे हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए नॉन टीचिंग जॉब, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी बेरोजगारी का दौर है, जब तक तो कोरोना तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ क्या होने वाला है, तो इसलिए हर अपॉर्चुनिटी को आप लोग बुलाने का कैश कराने का कोशिश करिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी आप किसी भी प्रकार से आप एम्प्लॉयमेंट पाने की कोशिश करिए। और कई बच्चे तो बैड कमेंट भी करने लगते हैं, सर आप ऐसा
कह रहे हैं सर, मैं सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक देता हूं, आपको बुरा लगता है किसी भी कैंडिडेट को तो चैनल को अनसब्सक्राइब मेरे कर सकता है, और रिक्वायर्ड नहीं है कि आप हमारे वीडियो की देखें, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, और ना तो मेरा यहाँ पर एम है कि यूट्यूब मुझे पैसा देगा तो मुझे मेरा उससे खर्चा चलेगा, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हायर एजुकेशन में आप लोगों को वैकेंसीज की नॉलेज नहीं हो पाती है, और आप लोग जैसे गूगल करेंगे तो आपको प्रॉपर ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में वैकेंसी का कुछ पता नहीं चल पाता है, और ना तो यूनिवर्सिटी जो आती है बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती है उनका तो पता चलता है, बट आसपास के और जो वैकेंसीज हैं आप लोगों को नहीं पता चलता है, खासकर से जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। और मैं यह चैनल सिर्फ इसलिए बनाया था जिससे कि गरीब और आर्थिक रूप से गरीब और एजुकेटेड लोगों के लिए और जो सुविधा वंचित लोग हैं उनका कुछ बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आकर के आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे सभी लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो यदि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं तो जरूरी नहीं कि आप मेरा वीडियो देखें, क्योंकि बात मैं इसलिए बोला हूँ, तो यस्टरडे को किसी बंदे ने कमेंट किया था और वो एब्यूजिंग वर्ड यूज किया था, मैं उस कंटेक्ट कमेंट को डिलीट कर दिया, बट वो मुझे एब्यूजिंग करके बात कर रहा था कि मैंने वो वीर बहादुर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसमें जो मैंने बोला था कि वहाँ PG वाले के अप्लाई करने के लिए, तो उस बंदे को लग रहा था कि PG वाले अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, आप ऐसा बोल रहे हो, और ऐसा उल्टा पुल्टा वो मुझे कमेंट कर रहा था। बच्चा है, मैं खैर खुश रहे, सेलेक्ट हो लाइफ में, पर मुझे कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट इतना बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट तो करिए बट एक मर्यादा का ध्यान रखिए, जो कम्युनिटी गाइडलाइन है यूट्यूब का, आपका चैनल भी बैन हो जाएगा कंप्लेन करने से, तो एक मर्यादा का ध्यान रखिए। आप सभी लोग एटलीस्ट PhD या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद ही आप MPL PhD या फिर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक मेच्योरिटी उम्मीद करते हैं, यदि कोई बात पसंद ना भी आती है तो भी आप उससे जो है स्किप कर सकते हो, आपको नहीं इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो ना देखिए, मत आइए चैनल पे, बहुत सारे चैनल से हो सकते हैं आपको दूसरे चैनल पर राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं कभी भी डॉक्टर सुरजीत ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूँ, किसी को भी वीडियो पसंद नहीं आती है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, बट कमेंट गलत ना करना कोई भी, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, और UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए उन लोगों के लिए बनाया है जिनको मेरी ज़रूरत है, जिससे जिन लोगों को मेरे से कुछ हेल्प मिल सकती है और मैं किसी के उन्नति में थोड़ा बहुत योगदान देना चाहता हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि गलत कमेंट ना करें, इससे जो है ठेस पहुंचती है, और कम से कम एक शिक्षक का आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आप एक टीचर का कुछ तो वैल्यू रखिए, और ऐसे भद्दे कमेंट करने का आपको मतलब मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता पता चलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इससे हमारे और जो विद्यार्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या सहपाठी भी कह सकते हैं, या फिर साथियों जो बोल सकते हैं वर्ड में, तो आप सभी लोग हम उम्र ही होंगे अभी, तो ऐसा कमेंट ना करिए जिससे और भी किसी व्यूअर्स को गंदा लगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको रिपोर्ट कर सकता हूँ यूट्यूब को, और आपका चैनल बैन भी हो सकता है, तो आगे से आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। चलिए वीडियो को वापस आ जाते हैं, आप भी कहेंगे सर अलग कुछ लेकर बैठ गए, बट ये जरूरी था। तो नॉन टीचिंग में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपकी टेक्निकल आज वैकेंसी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने नॉन टीचिंग में भी कुछ पोस्ट यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लाइब्रेरियन भी अच्छी वैकेंसी हो सकती है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बेरोजगारी के दौर में तो हर चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी कई लोग करते हैं, और उससे बेहतर है आप नेट हैं, JRF हैं, तो आप ऐसा कुछ करें जो एकेडमिक से जुड़ा हुआ रहे, जैसी वैकेंसी दूसरी मिलती है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एक अच्छा स्कोप हो सकता है, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें मुझे अच्छी लगी, आप लोग यहाँ फिर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रार भी यहाँ पर बेस्ट है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर PG किया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जिनका MTech है, अब इसमें भी कई बच्चे कहते हैं सर नेट चाहिए, देखिए टेक्निकल में यदि आप PG हैं तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, नेट की रिक्वायरमेंट बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होती है टेक्निकल में, ना तो PhD की रिक्वायरमेंट होती है, आप BTech में पढ़ाने के लिए आप MTech हैं ME हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, और MBA के लिए आप MBA हैं तो आवेदन जरूर कर सकते हैं MBA के लिए, ठीक है। तो और कई सारे बोलते हैं कि सर
एम टेक बी टेक एक स्ट्रीम से ऐसा, इसके बारे में मुझे पक्का नहीं है, बट मैंने जहाँ तक देखा अपना एक्सपीरियंस, आप सेम डिसिप्लिन से रहते हैं, जैसे मान लीजिए सी एस से बी टेक या सी एस से ही आपने जो एम टेक किया है तो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब आपने सुपोज मैकेनिकल से किया है बी टेक, बट आगे जाके एम टेक आपने जो है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से किया है, तो आप ऐसे में इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ही आप आवेदन करेंगे, ना कि सीएस में करेंगे, ठीक है? तो पीजी का जो आपका सब्जेक्ट होता है आप उसी में आवेदन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, ये कुछ चीजें आप लोग पढ़ लिया करिए। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी? लखनऊ में प्राइवेट कॉलेज है बंसल कॉलेज, तो ये प्राइवेट कॉलेज है और पे स्केल AICTE को नाम सुनता है, बट उत्तर प्रदेश में सैलरी बहुत अच्छी नहीं मिलती है। आप सभी को पता है प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी सैलरी नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो यहाँ पर जो सैलरी ठीक ठाक मिल जाएगी, आप लोग आवेदन जरूर करें वैसे। और अप्लाई मोड क्या होगा? यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं या फिर पोस्टल, इस एड्रेस पे आप लोग पोस्टल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी रहेगी info@bansal.iet.in, ये आपका ईमेल एड्रेस। आप इस पे अपना रिज्यूम विथ फोटो एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सेंड करना है within 7 days, ठीक है, 7 दिनों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करना है, 29 जुलाई से 7 डेज के बिथिन अंदर आपको, ठीक है। फिर बाद में आप लोग बोलते हैं सर लास्ट डेट नहीं बताया, लास्ट डेट बता देते हैं, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा करिए। और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो वीडियो को देखते नहीं और तुरंत आपको कमेंट कर देते हैं। एक बच्ची है वो तो मैं देख रहा हूँ, प्रियंका समथिंग करके उनका नाम है, और वो कई वीडियो पे मतलब कमेंट करती हैं, जैसे कि उनको मेरे से कोई रिवेंज लेने के लिए या फिर मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा उनके कमेंट्स आता है, अप्रिशिएट करने के लिए वो कभी कमेंट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो तो करीब एटलीस्ट देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको कमेंट करना सही है या नहीं सही है। वीडियो लो आप लोग पूरा देखते नहीं या फिर भी कमेंट करते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। और मैं सभी लोगों को यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंस देता हूँ, और सबका जितने भी कमेंट्स आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो जो कमेंट्स पड़े हैं सभी का मैं हाल देता हूँ, जो भी आपके डाउट्स होते क्लियर करता हूँ। चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे कोई आता है तुरंत उसे मैं रिप्लाई दे देता हूँ इंस्टेंट, व्हाट्सएप पे भी किसी को कन्फ्यूजन है पर्सनली, कई बच्चे कॉल भी किए हैं, मोर देन 200 स्टूडेंट्स अभी तक मेरे से, जब से यूट्यूब चैनल within 2 months में 200+ कैंडिडेट मुझसे कॉन्टेक्ट कर चुके हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 50+ जो स्टूडेंट सबसे जुड़ चुके हैं डायरेक्टली, और कई सारे बच्चे उसमें कमेंट करके पूछते हैं और कई सारे बच्चे तो मुझे कॉल भी करते हैं। तो ऐसे में जो मैं आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ और आप लोगों को कुछ ज्ञान ही दे रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा ना बोलिए जिससे कि अच्छा ना लगे, है ना। चलिए आप लोग सभी समझदार हैं, ये देखिए बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी लखनऊ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, और बीच में जो वीडियो मैंने कहा है उसका भी ध्यान रखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है, और आप लोगों को शेयर करना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी चैनल चल सकता है। और कोई आप लोग डाउट्स हो तो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मुझे ऐड कर सकते हैं। और बच्चियों के लिए है कि आप मुझे पहले कमेंट करें, आपको मैं एक अलग से जो नंबर दे दूंगा, आप लोग ग्रुप ना ज्वाइन किया करें, क्योंकि यहाँ पर नहीं चाहता कि किसी को कोई शिकायत हो, ठीक है, एक बच्ची को ऐसा शिकायत आ चुकी है। तो आप और जो बच्चे हैं आप लोग भी मर्यादा का ध्यान रखें, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।